नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई। इसके अंतर्गत जो दोहे लिए हैं वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गए हैं। आइए सर्वप्रथम इनका सहसुर वाचन करते हैं। कब को टेरत उदीन अरट हो तन श्याम सहाय, कब को टेरत उदीन अरट हो तन श्याम सहाय, तुमहू लागी जगत गुरु जगनायक जगबाई। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजौ मनौ तारन बिरदु बारक बारनु तारी। प्रकट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, प्रगट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरव कलेश सब केशव केशव राय। मोहि तुमह बाढ़ी बहस को जीतय जदुराज, मोहि तुमह बाढ़ी बहस को जीतय जदुराज, अपने अपने बिरद की दुहू निबाहन लाज। समय पलट पलटय प्रकृति को न तजय निज चाल, समय पलट पलटय प्रकृति को न तजय निज चाल, भव अकरुण करुणा करो इह कपूत कलिकाल। ज्यों ज्यों बढ़ति विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनंत, ज्यों ज्यों बढ़ति विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हेमंत। ये था सेश्वर वाचन। आइए अब इसके संदर्भ या प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि इन दोहों के कवि हैं बिहारी, ग्रंथ है सतसई। प्रत्येक दोहे का संदर्भ अलग होगा। कब को टेरतु दोहे में कवि ने श्री कृष्णचंद्र को उल्हाना देते हुए जगत के रंगढंग पर कटाक्ष किया है। नीकी दई अनाकनी नामक दोहे में भक्त भगवान को उल्हाना दे रहा है। और प्रकट भये द्विजराज कुल दोहे में कवि भगवान का रूपक अपने पिता केशव राय से करके अपने क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करता है, क्योंकि पिता का स्वभाव होता है संतान के दुखों को प्रकृत स्वभावतः दूर करना। अगला जो दोहा है, मोहि तुम्हें बाड़ी बहस दोहे में कोई उपासक अथवा कवि राजा श्री कृष्णचंद्र को ताव दिलाकर आन दिलाता है ताकि वह उसका तुरंत उद्धार कर दें। और समय पलट पलट है प्रकृति दोहे में ईश्वर को करुणा ने करने का उल्हाना देते हुए कवि की उक्ति है कि समय के फेर से सबके स्वभाव बदल जाते हैं, संभवतः ईश्वर का स्वभाव भी बदल गया है तभी वह सहायता करने के लिए आ नहीं रहा है। ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी दोहे में कवि ने हेमंत ऋतु के वर्णन के माध्यम से सुख दुख वृद्धि का चमत्कारिक वर्णन किया है। ये प्रसंग हो गया। आइए अब इसके अर्थ व भावार्थ पर गौर करते हैं। उससे पहले इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। जो प्रथम दोहा आपको दिख रहा है, सहाय शब्द प्रमुख है। सहाय का अर्थ है सहायक। और जगत गुरु जगनायक, जगत गुरु और जगन्नायक दोनों ईश्वर के विशेषण हैं। जगबाई अर्थ प्रमुख है। जगबाई का अर्थ है संसार की हवा अर्थात संसार का बुरा प्रभाव। नीकी का अर्थ है अच्छी। अनाकनी का अर्थ है आनाकानी, किसी भी चीज को सुनकर भी अनसुनी कर देना। फीकी का अर्थ है प्रभाव रहित। और गुहारी का अर्थ पुकार से लिया गया है। और बारक का अर्थ एक बार से लिया गया है। बारनु का अर्थ हाथी है। तारन विरदु का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विशेष अपने कार्यों के कारण एक विशेषण प्राप्त कर लेता है। जैसे ईश्वर का कार्य लोगों का उद्धार करना है, पतितों का उद्धार करना है, इसलिए वह पतित पावन कहा जाता है। तो इसी प्रकार तारन विरदु शब्द है कि ईश्वर तारने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उसका यश प्राणियों को तारने वाले के रूप में जाना जाता है। वह उसका यश हो गया, विरद हो गया। अगले दोहे के कठिन शब्द जानते हैं। द्विजराज, द्विजराज शब्द विशेष है। और द्विजराज कुल
एक साथ है यह भी विशेष हो गया है। द्विजराज कुल का अर्थ हो गया या तो चंद्रवंश अथवा ब्राह्मण का वंश, श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में। और सुबस का अर्थ है स्वयं की इच्छा से, स्वयं के वश से भली प्रकार का वास। केशव यहाँ कृष्ण को कहा गया है, केशव राय कवि के पिता का नाम है। मोही तुम्हें बाढ़ी बहस, दोहे में बाढ़ी का मतलब बढ़ना है, वृद्धि होना है। बहस अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है विवाद। जदुराज यदुराज कहकर श्री कृष्ण को संबोधित कहा गया है। विरद आप जान चुके हैं, यश या प्रशंसात्मक विशेषण होता है। और लाज का अर्थ यहाँ मर्यादा से है। आइए अब इसका अर्थ व भावार्थ जान लेते हैं। पहले दोहे का अर्थ व भावार्थ जानते हैं। पहला दोहे, कब को टेरतु दीन अरठ होतन श्याम सहाय, तुमही लागी जगद गुरु जग नायक जग भाई। क्या कहना चाहता है कवि इसके माध्यम से कि हे श्याम, बिहारी श्री कृष्णचंद को उलाहना देते हुए जगत के रंग ढंग पर कटाक्ष कर रहे हैं कि हे श्याम, मैं बहुत समय से दीनता भरी वाणी में तुम्हें पुकार रहा हूँ, टेर रहा हूँ, पर तुम सहायक नहीं होते। ज्ञात होता है कि तुमको भी क्या ज्ञात होता है कि ज्ञात होता है कि तुमको भी हे जगत गुरु जगन्नायक जगत की हवा लग गई है, अर्थात निर्दय संसार निवासियों का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया है। यद्यपि यह बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि गुरु तथा नायक का प्रभाव शिष्यों एवं सामान्य जन पर पड़ना चाहिए, पर यह उल्टी बात हुई कि उनका प्रभाव तुम्हारे जैसे जगत गुरु एवं जगन्नायक पर पड़ा। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनोतारन विरदु बारक तारन तारी। भक्त उलाहना देते हुए भगवान से कहता है कि हे नाथ, आपने तो अच्छी आनाकानी की, यानी कि मेरी बात को सुनकर भी नहीं सुना, मेरी पुकार ही फीकी पड़ गई, प्रवाह रहित हो गई, उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हाथी को एक बार ही तार कर आपने तारने वाला तारनहार का अथवा तारने वाला कहलाने का यश छोड़ दिया है। भक्त चाहता है कि उसके पुकारने पर ईश्वर आए, नहीं आ रहे हैं, तो वह यह उलाहना दे रहा है। और साथ ही प्रकारांतर से उस गज व ग्राह की कथा की ओर संकेत भी कर रहा है। प्रगट बहे द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरे हरव कलेश सब केशव केशव राय। कवि श्री केशव भगवान का रूपक अपने पिता केशव राय से करके उनसे अपने क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करता है। पिता से रूपक इसलिए लिया गया है कि पिता संतान का दुख स्वभाव से ही हरता है। तो वह कह रहा है कि हे द्विजराज, दोनों को संबोधन है श्लेषात्मक अर्थ के कारण, कि हे चंद्रवंश में जन्मे हुए अथवा हे श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में जन्मे हुए के कुल में प्रकटे हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हुए केशव राय रूपी केशव, कवि के लिए पिता के तुल्य केशव भगवान, आप मेरे सब क्लेशों का हरण करो, मेरे सारे क्लेश दूर करो। अगला लेते हैं, मोही तुमह बाड़ी बहस, को जीतय जदुराज, अपने अपने विरद की दुहू निबाहन लाज। कोई श्री कृष्ण चंद्र का उपासक अपनी भावना के अनुसार उनको राजा समझकर बड़ी चातुरी से इस दोहे के द्वारा उनको यह आन दिलाता है ताकि वे ताव में आकर उसे तुरंत उसका उद्धार कर दें, उसे तार दें। प्रायः प्रसिद्ध है कि राजा लोग स्वभावतः शीघ्र ही ताव में आ जाते हैं और करनी न करनी सब कुछ उस ताव में कर डालते हैं। इसलिए यहाँ
जदुराज नाम प्रयुक्त किया गया है राजा कहने के लिए। तो क्या कह रहा है उपासक कि हे यदुराज, मुझसे तुमसे बहस बड़ी है, मुझ में और तुम में अब ये बहस बढ़ गई है, ये शर्त लग गई है, देखें कौन जीतता है। अपने अपने विरद की लज्जा का निर्वाह दोनों को ही करना है। कौन सा विरद है कि इधर मेरा नाम तो पतित है, सो मैं तो पतितों की जो करनी है उसको अपने नाम की लज्जा रखने के निमित्त छोड़ने का नहीं, मेरा नाम पतित है तो मैं पतित कर्म ही करूँगा। उधर तुम्हारा नाम पतित पावन है, सो तुम भी अपने नाम का निर्वाह करने के निमित्त मेरे पातकों को नष्ट करके मुझे पावन करते ही चलोगे। अतएव अब देखना यही है कि अंत में मैं पाप करते करते थक जाता हूँ और तुम मुझे पावन कर ही के छोड़ते हो, अथवा तुम पावन करते करते मेरे पातकों से घबरा कर हार जाते हो और अपना पतित पावन विरुद्ध छोड़ देते हो। यहाँ उपासक उकसा रहा है अपने आराध्य को कि वो येन केन प्रकारेण उसका उद्धार कर दें। अगले दोहे पर दृष्टि डालते हैं। समय पलट पलटय प्रकृति कोन तजय निज चाल, भो अकरुण करुणा करो इही कपूत कलिकाल। ईश्वर को अपने ऊपर करुणा न करने का उलाहना देते हुए कवि बिहारी की प्रास्ताविक उक्ति है कि समय के फेर से सबके स्वभाव बदल जाते हैं। कवि क्या कह रहा है कि समय के फेर से सबकी प्रकृति पलट जाती है और ऐसा कौन है जो अपनी चाल नहीं तज देता, अपना स्वभाव नहीं बदल देता। देखिए इस दुष्प्रकृति कलिकाल में, कलियुग में करुणा कर, जिन्हें करुणा का आकर करुणा का भंडार कहा जाता है, अर्थात परम दयालु ईश्वर भी अकरुण अथवा दयाहीन हो गया है, अतः हम लोगों की पुकार नहीं सुनता जैसा कि और युगों में सुना करता था। अंतिम दोहा लेते हैं। ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हेमंत। हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहा है कवि और उसके माध्यम से सुख दुख दोनों की वृद्धि का चमत्कारिक वर्णन करता है। क्या कह रहा है कि हेमंत ऋतु में ज्यों ज्यों रात्रि विभावरी अर्थात रात्रि बढ़ती है, ज्यों ज्यों रात्रि बढ़ती है त्यों त्यों घर घर में सब लोगों के सुख बढ़ते हैं, परंतु कोख अर्थात चकई और चकवा के दुख बहुत बढ़ जाते हैं। घर घर में लोगों के सुख बढ़ते हैं किंतु चकवा चकवी के दुख बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका अर्थ व भावार्थ। आइए अब इसके अर्थ भावार्थ से संबंधित विशेष बातों की चर्चा कर लेते हैं। जो आपका प्रथम दोहा था, आपको स्मरण होगा प्रथम दोहा, कब को टेरतु दीन रट होतन श्याम सवाही। इस प्रथम दोहे में संसार की हवा लगना मुहावरे का प्रयोग है तथा वीप्सा दीपक काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। आपका जो द्वितीय दोहा था, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, इस दोहे में ग्राह से गज की रक्षा करने के लिए भगवान का नंगे पैर दौड़कर सहायता करने के लिए आने की कथा की ओर संकेत है ही, साथ ही इसमें वक्रोक्ति रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। आपको अलंकारों का विशेष ध्यान रखना है। तृतीय दोहा जो कि प्रगट भय द्विजराज कुल था, इसमें श्लेष का प्रयोग था और श्लेष के प्रयोग द्वारा कवि ने कवि के वंश व निवास का परिचय दिया है, अपने पिता केशव राय का भी वर्णन किया है, साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश यमक श्लेष रूपक व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। चौथा दोहा कौन सा था, मोहि तुम्हें बाढ़ी बहस। तो इस दोहे में हठ के माध्यम से, जिद के माध्यम से दास्य भाव की भक्ति अभिव्यक्त हुई है और साथ ही इसमें वीप्सा वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। पांचवा दोहा था, समय पलट पलटय प्रकृति को न तजय निज चाल। इस दोहे में समय की परिवर्तनशीलता का प्रसंग उपस्थित करके कवि अपने आराध्य को उपालंब दे रहा है, मीठा उलाहना दे रहा है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अर्थांतरन्यास
एवं अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अंतिम दोहे पर आ जाते हैं। अंतिम दोहा आपको याद होगा संभवतः, ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी। इस अंतिम दोहे में कवि ने एक ही समय में दो विरोधी भावों की वृद्धि का चमत्कारिक वर्णन किया है। लोग जो घर में रह रहे हैं वो हेमंत ऋतु में अत्यंत सुखी हो जाते हैं। हेमंत ऋतु के प्रभाव से तो सुख बढ़ता है, लेकिन चकवा चकवी दुखी हो जाते हैं, उनके दुख बढ़ते हैं। साथ ही इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, दीपक व अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। आज के लिए गृह कार्य आप अंकित कर लीजिए। गृह कार्य बहुत साधारण सा है कि इन छहों दोहों में प्रयुक्त अलंकारों का नाम लिखिए। दोहों में जो जो अलंकार आए हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, और आप प्रयास कीजिए कि उन अलंकारों के नाम के साथ उनकी परिभाषा व लक्षण भी आपको याद रह जाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।